नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे इस चैनल में स्टोरी टाइम पे आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी कि मैं टीवी प्रोड्यूसर कैसे बनी। बचपन से कहानियां सुनना शौक था, फिर कहानी बोलने वाला शौक भी हो गया। मैं मुंबई आई थी तो पृथ्वी से मेरा बहुत क्लोज, पृथ्वी अभी भी जाते हैं तो ऐसा लगता आत्मा तृप्त, अब कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो वो थिएटर और ये सारी चीजें मेरे पास शौक में थी, लेकिन मम्मी का स्ट्रिक्ट आदेश था ना कि शौक को शौक रहने दो। ठीक है जी, तो हम अपनी डॉक्टरी भी कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही थी, जब भी फ्री होते थे हम जाते, मेरे साथ मेरे और कॉलेज स्कूल मेट्स भी होते, और हम लोग पृथ्वी में बैठते, कैफे में आयरिश कॉफी पीते। बारिश हो रही है ना अभी, मुझे आयरिश कॉफी की बहुत याद आ रही, जाऊंगी इस हफ्ते। तो एनीवेज, मैं ना जुहू आती थी स्विमिंग के लिए वर्ली से। हाँ, मुझे लगता है क्रिएटिव लोगों को ना बहुत कीड़े होते हैं, मतलब थोड़े हटेले होते दिमाग से। मैं आती थी और मेरी दोस्ती हो गई समीर सिद्दीकी, जो आज बहुत अच्छे और बड़े राइटर हैं। तो समीर बहुत छोटा था, उसके पापा बहुत बड़े राइटर हैं, उनके बारे में मैं अलग एपिसोड बताऊंगी। तो उसके पापा ने बोला, ये जो लड़की आती है ये कौन है, मतलब बहुत तमीजदार, मतलब ये पढ़ी लिखी लगती है, तुम्हारी फ्रेंड कैसे हुई? समीर ने कहा, अरे वो डॉक्टर है, मेरी दोस्त है। क्योंकि समीर पढ़ना नहीं चाहता था, और समीर उस समय प्लस चैनल हुआ करता था, उसमें कैमरामैन बन गया था, छोटा था, चुलबुला, इंटेलिजेंट भी बहुत था। तो बस हम लोग ऐसे ही शिव सागर के पास, और वहीं पे पीछे अंकल का राइटिंग का पूरा वो था, क्या बोलते, पैड पैड बोलते उसको, वर्किंग पैड। बहुत बड़े राइटर है वो, तो उनसे मिलना जुलना हुआ। तो वो लोग ने बाउंस बोर्ड बना दिया उन लोगों ने, मुझे ग्रुप था उनका, बताती हूँ आपको बाद में। क्योंकि मैं किताबें बहुत पढ़ती थी ना, तो मैं तुरंत पकड़ लेती, अरे ये तो यहाँ से, ये तो वहां से। तो उनको लगता था ये लड़की सच बहुत बोलती। हाँ, वो अब तक है, उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा मुझे लाइफ में, अभी भी सच बोलने का बहुत हर्जाना देना पड़ता है। तो ऐसे ही बातों बातों में मुझे उन्होंने एक रशियन सब्जेक्ट सुनाया, तो बैठ गई कहानी मेरे दिल में। और जाके हमने फिर एक दोस्त की मदद से हमने उसके कुछ एपिसोड ब्रेक डाउन ऐसे करके, तो गलती से वो 13 एपिसोड्स होते हैं, 12 नंबर गलत था तो 12 ही दिए दूरदर्शन ने। ऐसे मैंने सिनॉप्सिस बनाया, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है बचपन से ही। जब मैं अलग अलग पड़ाव पे जिंदगी के, जब मैं सिटी बस में जाती थी, ये सच के चक्कर में मैं रोज मारपीट करके आती थी, तो जब वो सिटी बस में, यानी जो बेस्ट यहाँ बोलते हैं मुंबई, वो हमारे यहाँ सिटी बस होती थी, उसमें जाती थी, तो मुझे वो कंडक्टर के ना पर्स बड़ी अच्छी लगती थी। मुझे लगती थी बड़े बहुत सारे पैसे हैं इसके पास। तो मुझसे किसी ने कहा कि क्या बनोगी बड़ा होके, मैंने कहा बस कंडक्टर। उसके बाद किसी ने कहा क्या बनोगी, मैंने कहा नर्सरी की टीचर, नर्सरी स्कूल की। उसके बाद पर बनी क्या मैं, डॉक्टर। उसके बाद क्या बनी, प्रोड्यूसर। फिर क्या बनी, डायरेक्टर। तो ये टीवी, ये कैसे हुआ, तो ये क्रिएटिव एक वो था अंदर, वो चीजें मुझे सुकून देती थी। तो ये लिख दिया हमने, मैंने कहा भेज देते इसको, भेज दिया, प्रूव हो गया दूरदर्शन पे। तो ये बात है 1992 की, मतलब 23-24 शायद मेरी उम्र थी। प्रूव हो गया तो एकदम मैंने, मुझे तो बचपन से एक ही बंदा पता है भाई, वो थे गुलजार साहब। तो बाद में बहुत ऐसे ऐसे रिश्ते सारे इधर से हो गए, तो मैं उन्हें गुलजार अंकल बुलाने लगी। तो उन दिनों मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो लैंडलाइन से मैंने कॉल किया, और आपको उनकी आवाज़ पता। मैंने कहा मेरा नाम, उस समय अपना वो पेट नेम मैं यूज़ करती थी, कविता। तो मैंने कहा मेरा नाम डॉक्टर कविता है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। शायद उनको मेरे नाम में लगा होगा मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ बेशक आ जाइए। मेरी पहली मुलाकात, सोचो बचपन से परिचय, क्या मासूम, ये वो, कैसी फिल्में देखती रही, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे। ऐसे इंसान ने मुझे बुलाया, मैं मिलने गई, अभी ऐसे बच्चे टाइप हूँ, तो उस समय तो कैसी होगी, मतलब 50 किलो तो मेरा वेट ही हुआ करता था। और उन्हें क्यों रहा हो सकती थी कि एक डॉक्टर है, क्यों मिलना चाहती है। तो मैं गई, मतलब ऐसे बैठ जाते ना हम खड़ करके, तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज थी स्केलेटन जैसे होता ना, ऐसे मार्क, डेंजर मार्क, उसको हाथ लगाना, तो वो नो स्मोक, स्मोकिंग डेंजरस। मैं मतलब ये क्या है अंकल, मैं ये क्या गुजार, हंसने लगे वो, क्योंकि मैं ऐसे हड़बड़ा गई थी।
वही उनका कड़क वाइट कुर्ता, और वो बाप रे, ये लेजेंड्स है ना, ये बोले भी नहीं ना, इनकी खामोशी भी इतना बोल देती है, इनका ऑरा, शिट, मेरे को ना गूज बम्स हो रहा है। वो मुलाकात मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसी हुई। तो आप सोचो, मैं नांदेड़ से आई लड़की, पढ़ रही थी, पीजी कर रही थी या जो भी है, पर ये तो मैंने सपने में नहीं सोचा ना कि एक दिन मैं गुलजार साहब के सामने बैठूंगी। तो मैंने उनसे कहा ये लेटर है और मैंने एक बच्चों पे सीरीज लिखा है, तो वो आपके अलावा कौन डायरेक्ट करता है। मुझे पता था तब तक कि ये इन्होंने दूरदर्शन के लिए किया है, मिर्ज़ा गालिब, और एक कामिनी भाटिया का एक पपेट शो भी आ रहा था उस समय। तो उन्होंने कहा डॉक्टर कविता, ऐसे ही बोलते हो अब तक। अब मैं बोलती हूँ आप ये डॉक्टर कविता क्यों बोलते हो, तो बोले नहीं याद दिलाता हूँ कि तुम डॉक्टर हो। तो जो मैं लिखता हूँ वही मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जाने दीजिए, फिर मुझे तो इंडस्ट्री में कोई पता है नहीं, तो नहीं करती फिर मैं ये प्रोड्यूस। तो अरे अरे अरे, अप्रूव्ड है तुम्हारा, मतलब 24 की एज में अगर आपको 30 लाख का प्रोजेक्ट अप्रूव, आप समझ रहे हैं। उसके बाद ही मैंने अपनी वो मारुति 800 खरीदी थी पहली। तो मैंने कहा नहीं, मायूस हो गई मैं, मतलब मुझे लगा कि, क्योंकि मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं था ऐसे कि मुझे करना है ये वो अभी भी नहीं लगता मुझे, बाय गॉड नहीं लगता। पर मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे गॉड आए ना कि उन लोगों ने मुझे जेंटल पुश दे के बोला नहीं करो, तो बोले मानोगे नहीं, तो शायद वो मेरी जिद, वो मेरा चेहरा, देखो वो इतने बड़े पोएट, राइटर, डायरेक्टर, भगवान है वो, हमारे नहीं, बहुत सारे मेरे मित्रों के जो बहुत सक्सेसफुल है इंडस्ट्री में, उनके भी भगवान है। तो मैंने कहा नहीं करूंगी, देखते रहे गौर से मेरा चेहरा, उनकी आवाज आई हाय हाय, वो क्या मीटिंग थी। बोले अच्छा एक काम करते हैं, मैं अपने चीफ को बुलाता हूँ, असिस्टेंट बिल्कुल मेरा ही काम करता है तो वैसे ही करेगा। और मैंने कहा नहीं, फिर भी नहीं, बहुत उम्मीद लेकर गई थी। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा जी, मैं गाना लिख देता हूँ, टाइटल सॉन्ग। देखो अभी वो टाइटल सॉन्ग उन्होंने एक रेडियो शो में, उस समय रेडियो का बहुत था, अपने फेवरेट सॉन्ग बोल के एंकर को भेज, एंकर ढूंढने लगी, मेरे पास आई था। तो मैंने कहा आपको दूरदर्शन से पूछना पड़ेगा। तो उस गीत, जो गीत उन्होंने लिखा था, इतना खूबसूरत, कच्चे रंग उतर जाएंगे, मौसम है बदल जाएंगे। तो उस पे बाद में विशाल ने, म्यूजिक डायरेक्टर विशाल भरद्वाज ने रीमिक्स, उन्होंने एक नया वर्जन भी उसका किया था। तो मैंने कहा ऐसे लगा, पता है गुलजार अंकल उर्दू में लिखते हैं, वो बहुत सालों तक मैंने रखा, फिर घर ये जिंदगी बदल गई, पता नहीं किस बुक में रह गए वो उनकी लिखी हुई हाथ की वो गीत। फिर उन्होंने कहा, फिर हम मिलने लगे, मतलब इस तरह से। तो उन्होंने बुलाया, तो वो सलीम आरिफ थे, उनके चीफ एसोसिएट। बहुत मज़ेदार किस्से, अगली कहानी में बताऊंगी वरना कहानी लंबी हो जाएगी। ये कहा ये है, तो फिर वो हमारा सब शुरू हुआ। तो सलीम आरिफ भी एक बहुत इंटरनेशनल डायरेक्टर थे, उनके साथ जया गंगा नाम की फिल्म के सिलसिले में वहाँ थे, गंगोत्री, हम लोग जो भी वहाँ उनका चल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के करते थे प्री प्रोडक्शन और ये सब। मेरे जो राइटर थे स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के, वो भी जामिया से थे, शाहरुख के या सीनियर थे। तो बहुत अच्छा ग्रुप मुझे मिला था और होने लगा। फिर एक दिन जब मैं गई, तब तक मुझे पता चल गया था कि कनेक्शन बहुत इनडायरेक्टली घूम घूम के वहीं जा रहा है एक दो परिवारों में। तो मैंने गुजार नहीं कर, तो मैंने कहा कि एक लड़का आया है मेरठ से और उससे हम म्यूजिक कराएंगे। मैंने कहा जी, भगवान के सामने आप जी के अलावा कुछ नहीं बोल सकते है ना। तो वो बंदा था विशाल भरद्वाज। तो विशाल भरद्वाज ने वो मेरे पहले प्रोडक्शन का पहला टाइटल सॉन्ग किया था, हरिहरन जी ने गाया था, पर रेखा ने जब डमी गाया था, रेखा भरद्वाज, तो मैंने कहा यार इससे ये क्यों गवा रहे हो, उसको सिंगर बनाओ, इसको ये करो, अब वो क्यों घर संभालेगी। मतलब मैं ऐसी थी थोड़ी रिबेल टाइप, मतलब वो तो खून में है ना थोड़ा, नाना रिबेल, ये रिबेल, वो रिबेल, हम भी रिबेल।
इस तरह सफर मेरा शुरू हुआ। आप यकीन कर सकते हैं मैं कितनी किस्मत वाली हूँ? मुझे नहीं यकीन होता, पर मुझे लगता है मैं कोई पुनर्जन्म वाली हूँ, जो इतनी फिल्मी कीड़े हैं मुझे और ये जो मैं बनी हूँ। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, पर मैं ऐसे समाज जाती हूँ, करती हूँ, जैसे मैं यही करती आ रही हूँ जन्मों जन्मों से। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता। तो कभी कभी होता है ना, हम एम्बिशन लेके पैदा होते हैं और हमें ऐसा वो हो जाता है कि यही बनना है, वरना कुछ नहीं करूंगी। मेरा ऐसा नहीं, जिंदगी के साथ बहती गई मैं। और पैशन, यस पैशन जरूर है मेरा, तो उस पैशन ने मुझे प्रोफेशनल बना दिया, पैशन टू प्रोफेशन। और ऐसे बनी मैं टीवी प्रोड्यूसर। वो सीरियल था 1992 में हमने किया था, 93 में वो आया था, तो गर्मियों की छुट्टियों में करना पड़ा क्योंकि उसमें सारे बच्चे थे और बच्चों के स्कूल होते हैं। उस पहले सीरियल में बेबी तबस्सुम जो छोटी थी उसको मैंने कल्याण जी आनंद जी लिटिल स्टार्स में देखा था। बेबी तबस्सुम मास्टर सुमित जो बाजीगर में शाहरुख खान के छोटे बहन का किया था वो था। और जो सबसे छोटा था ना कलाकार, मैंने कहा ये रेंट आउट नहीं करेंगे, वो मेरा ही बेटा था जो उस समय दो ढाई 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 पौने तीन साल का था। और वो हमने इतनी जल्दी सीरियल किया था और वो सीरियल अब तक भी चलता होगा बहुत सारे, क्योंकि वो दूरदर्शन का कमीशन था। उसके बाद कमीशनिंग ही बंद हो गया। मैं जब भी सीरीज करते उसके बाद कमीशनिंग बंद हो जाता है। तो ऐसे बनी। और फिर वो जो क्योंकि मिल रही थी और उस समय उन लोगों की कास्टिंग चल रही थी माचिस, तो मैं वही हुआ करती थी कि अरे तब्बू साइन हो गए, अरे ये हो गया, जिमी शेरगिल भी, ये सब मेरे ही सामने, रॉकी, चंद्रचूर सिंह, आप जिसको जानते सारे। फिर वो कीड़े मेरे बढ़ने लगे तो मैंने कहा अंकल मैं आई वॉन्ट टू असिस्ट यू। हाँ अभी से आज से तुम मेरे असिस्टेंट, मेरा तो काम हो ही गया था। तो वो सारे कॉस्ट्यूम होता है ना बच्चों, कहा मैं आपके असिस्टेंट, हाँ बस एक कैमरा ले लो, स्टिल कैमरा, बस आ जाओ सेट पे। जितनी मुंबई में शूटिंग हुई मैं थी और मैं देखती थी कैसे वो आर्टिस्ट के पास जाते थे, कैसे समझाते थे। मुझे कोई एक्टर बक्टर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होता था कभी, मुझे हमेशा पीछे वो बाकी किससे भी मैं बताऊँगी आपको। जब वो आउटडोर पे जाने लगे तो उन्होंने कहा अब तुम्हारी मम्मी नहीं भेजेगी तो तुम्हारी असिस्टेंट फिर इधर। पर आई थिंक ऑब्जर्वेशन से ही, मेरा ऑब्जर्वेशन बचपन से ही शौक है, उसी से आप डायरेक्टर बनते हो। तो मैं एक कदम ले रही थी ना और यूनिवर्स इतने सारे कदम ले रहा था, इतने दिग्गज लोगों के सामने मुझे से बच्चा बन के और इतना पैम्परिंग मेरा हुआ है, तो मुझे लगता है यूनिवर्स वॉज कॉन्स्पायरिंग वन स्टेप एक डायरेक्टर तैयार हो रहा था धीरे धीरे, राइट। एक दिन में कुछ नहीं होता। तो ये रही मेरी गुलजार साहब से पहली मुलाकात और मेरी पहली फिल्म कगार का भी टाइटल सॉन्ग उन्होंने लिखा जिसमें कोई गाने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की मूवी थी, पर उन्होंने किया। तो उस समय विशाल मकबूल की मिक्सिंग कर रहे थे हैदराबाद में, तो उन्होंने कहा एक नया लड़का आया एड फिल्म से, उसको भेजता, उससे मिलो। वो थे शांतनु मोइत्रा, उनसे मेरी आज तक उतनी प्यारी दोस्ती है। तो शांतनु ने उस गाने को, मैं भी सोची अभी ये क्या कंपोज, एंड ही केम वो टेबल वेबल बजाते और कॉयर ये, तो अमिताभ को, मेरे हस्बैंड अमिताभ, उनको तो नहीं समझ आए कॉयर, और मैं कहा मैं सब समझ रही हूँ क्या बोले। वो एक सेंस इन इट अंदर इंस्टिंक्टिव था मेरे में और वो गाना भी गुलजार साहब ने किया। मुलाकातें बढ़ती गई, फिर रिकॉर्डिंग में वो बहुत टाइम पे पहुँचते। तो एन चंद्रा जिन्होंने डायरेक्ट की थी कगार, वो मेरे अपने तक फर्स्ट असिस्टेंट थे गुलजार अंकल के। उन दोनों को भी मैंने मिलवाया, बताइए गुरु शिष्य, वो लेट आए तो उन्होंने बोला चंदा तुझे याद नहीं है आंधी के टाइम क्या हुआ था, कैसे गलत गाना रिकॉर्ड हो गया, तू लेट कैसे आया। तो फिर उसके बाद NMDC काफी लोगों ने बोला कि गुलजार साहब से कहिए ये हमारे लिए फिल्म करो। तो मैंने उनको बोला गुलजार अंकल और NMDC वांट्स यू टू डायरेक्ट अ फिल्म, तुम प्रोड्यूस करोगी तो ही मैं डायरेक्ट करूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में, चलती रही। फिर एक प्ले उन लोगों ने किया बहुत साल बाद, मैं पृथ्वी गई जो बॉर्डर, और इस पर अभी नाम नहीं याद आ रहा, बहुत नामचीन प्ले है वो, यशपाल शर्मा से लेके सलीम भाई ने डायरेक्ट किया था, सलीम आरिफ ने। तो वहाँ बैक स्टेज गए तो बर्थडे था शायद किसी एक्टर का, बर्थडे था उस दिन, तो
मैंने इतने छोटे से बाल काटे थे, मेरा जब भी पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होता है ना फिल्म का, मुझे ठंड लगती थी बहुत, फ्रीजिंग होता है वहां पे टेम्परेचर, तो मैं से खड़ी थी पीछे, तो उन्होंने बोला अरे डॉक्टर कविता, मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया, मुझे लगा कि मेरे बाल छोटे हो गए हैं क्योंकि पहले इतने लंबे बाल थे, मतलब मेरा वो चलता रहता है एक्सपेरिमेंट हमेशा, मतलब मैं कितनी बेवकूफ हूँ यार, मैं गुलजार जी से बोल रही हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैंने अगर बाल काट लिया तो वो मुझे पहचानेंगे नहीं, बेवकूफ तो मैं हूं ही, तो उन्होंने कहा क्यों बाल काट लोगी तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं, क्योंकि वो मुझे उसी उम्र से जानते थे ना, वो ही मेरे अंदर की मासूमियत, मतलब वो 24 से लेके 30, मतलब 8-10 साल का बहुत प्यारा साथ रहा, मैं बहुत मिलना चाहती हूँ उनसे पर कुछ हो नहीं रहा ऐसा, और मुझे लगता है अगर मैं शिद्दत से बोलूंगी कि गुलजार अंकल से मिलना है ही, तो यूनिवर्स एक बार फिर कंस्पायर करेगी और मेरी एक फिर बहुत ही डिवाइन प्यारी मुलाकात होगी गुलजार अंकल के साथ, है ना। तो आई होप आज का स्टोरी टाइम आपको पसंद आया होगा, मेरी खिड़की में चिड़ियाएं आ चुकी हैं, बहुत पार्टी करती हैं वो लोग, बर्ड फीडर लगाए हैं ना, और मैं ये ले रही हूँ एक्चुअली ब्लैक कॉफी, क्योंकि मौसम का तकाजा है बारिश हो और कॉफी ना हो। सो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मेरा ये मानना है कि जिंदगी में किसी भी चीज को पकड़ के मत बैठो या पीछे मत भागो, जो आपकी तकदीर में है, जो आपने करना है वो प्री डिसाइडेड है, प्री डेस्टिन्ड है, तो आप क्या रहो, चॉइसलेस, फ्रीडम में रहो, फ्रीडम में रहो, बस फील करो हर चीज को, फील करो और फिर सरेंडर करो। अगर आपका ये कनेक्शन रहा ना, मेरा ऊपर वाले से बहुत कनेक्शन है, उसके भी किस्से सुनाऊंगी आपको अगली बार, अगले संडे, कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अब मैं क्या बोलूं नेक्स्ट संडे को, ठीक है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए, और इस चैनल को और मेरे सफर को और आगे बढ़ाइए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ जी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मुझे लिंक्स ना भेजना पड़े, बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगले संडे को कि हाँ स्टोरी टाइम हो गया है। सो आई होप यू लाइक दिस एंड यू विल कंटिन्यू लविंग मी एंड माई चैनल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फील फ्री ऑलवेज। मतलब टेंशन या स्ट्रेस ऐसे कुछ होता था ना, मैं एक बात इंटरनल बात बताती हूँ, तो मैं बोलती थी गम है तो क्या है? हम तो गम भी बेच के आ जाएंगे, हम तो आर्टिस्ट है, सही बात है ना, क्योंकि अगर आप महसूस नहीं करोगे तो आप एक्सप्रेस कैसे करोगे चीजों को, राइट। हम ऐसे कलाकार मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय।